ओम। आइए आज हम लोग योग के इस अभ्यास क्रम में सबसे सहज व सरल आसन तितली आसन करेंगे, बटरफ्लाई। तितली आसन एक ऐसा आसन है जिसे कोई भी कर सकता है और सहजता पूर्वक कर सकता है, सहजता पूर्वक करते हुए अत्यधिक लाभ ले सकता है। कैसे? तो आइए आरंभ करते हैं। दोनों पैर के तलों को ऐसे आपस में स्पर्श कर लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों से आपस में ग्रिप बना के और पैर के तलों को आपस में मिला के पकड़ लेंगे। तो ये हो गया सही पोजीशन, एक प्रकार से सही पोजीशन तितली आसन का, बटरफ्लाई का, भद्रासन भी कह सकते हैं। श्वासों के साथ इसे करेंगे। जब पैर दोनों नीचे जाएगा तो श्वास अंदर, और जब ऊपर आएगा तो श्वास बाहर। बटरफ्लाई तितली आसन, टखने से लेके घुटने से लेके कमर के जो ज्वाइंट हमारे हैं उनको खोलने का काम करता है तितली आसन। हमारे शरीर के शिथिलता को दूर करता है, शरीर में, शरीर का स्वभाव चंचल, मन का स्वभाव स्थिर, ये हमारे शरीर का स्वभाव होना चाहिए। आज उल्टा हो गया है, शरीर का स्वभाव तो शिथिल हो गया है, मन का स्वभाव बड़ा चंचल हो गया है। तो हमें तितली आसन करते हुए मन को शांत, मन को एकाग्र व शरीर को चंचल, चंचल माने क्रियाशील बनाना है। तो ऐसे ये जो जितना कर सके उतना करें, इससे विशेष लाभ होता है बहनों को, माताओं को, और खासकर गर्भवती बहनों को व गर्भवती माताओं को। तितली आसन एक प्रकार से हमारे अंतः अंगों को खोलते हुए हमारे संपूर्ण जोड़ों को क्रियाशील करता है, हमारे अंग प्रत्यंग को लचीला करता है। तो ये विशेष रूप से तितली आसन करने का अभ्यास है। तितली आसन से पाचन क्रिया मजबूत होती है, पिनक्रिया, जठराग्नि, आंत, अमाशय इत्यादि हमारे क्रियाशील होते हैं, रोग व्याधियां हमारे अंदर से दूर होती हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता एक प्रकार से उत्पन्न होता है, जिससे तितली की भांति हम इस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए संसार में हम विचरण करते रहते हैं, आनंदमय रहते हैं, अपने आप में आनंद की अनुभूति करते हैं। तो तितली आसन का ये विशेष अभ्यास, ये खासकर उनको नहीं करना है जो वात से प्रकोपित है, गाउट है, जिनको गठिया है, उन्हें नहीं करना है, एकाएक नहीं करना है। पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, उसके बाद से तितली आसन को करना है। जिनका ताजा ऑपरेशन हुआ हो, जिनको हर्निया हो, जिनको अपेंडिक्स हो, उनको नहीं करना है। तो किसी भी आसन को करने से पहले उसका सही विधि, सही मेथड्स, उसका रिएक्शन, ये सब जान के ही किसी भी आसन में प्रवेश करें, अन्यथा उसके लाभ के जगह पे थोड़ी सी हानि हो सकती है। तो थोड़ी सी हानि भी कभी कभी ज़्यादा हानि का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए विशेष रूप से एक दक्ष व योग्य योग साधक के, योग गुरु के सानिध्य में ही करने का प्रयास करें। आइए एक बार पुनः आपको बता देते हैं तितली आसन करने का सही तरीका, सही विधि। दोनों पैर के तलों को आपस में मिला लेते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को ग्रिप बना के आपस में पकड़ लेंगे और घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे संचालित करने का प्रयास करेंगे। तो ये तितली आसन का अभ्यास। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, निगाहों को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, तो इससे विशेष लाभ होता है। तो खैर, आज के लिए तितली आसन का अभ्यास इतना ही, यहीं तक। फिर आगे की योग यात्रा आगे प्रारंभ की जाएगी। ओम शांति।